में जो कुल परियोजनाएं हैं उसमें लगभग 725 करोड़ के हमारे 78 कार्य हैं जिनका लोकार्पण होगा, जिनका लाभ उसी दिन से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और लगभग 200 से ऊपर कार्य हैं 850 करोड़ के, उनका शिलान्यास होगा जो भविष्य में पूरे होने हैं। कुल मिला के 1550 करोड़ इससे ऊपर की हमारी लगभग 300 से ऊपर परियोजनाएं हैं जिनका कुल लाभ यहाँ वाराणसी की जनता को मिलेगा। तो ये सारी परियोजनाएं एक ही कार्यक्रम में यहाँ जनसभा में रखी गई हैं। केवल रुद्राक्ष का जो उद्घाटन है वो रुद्राक्ष के ही कन्वेंशन सेंटर में रखा गया। रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाएंगे, ये भी है पौधा लगाएंगे? जी, रुद्राक्ष का कन्वेंशन सेंटर है और वृक्षारोपण का समय है, सीजन है, मानसून का टाइम है और वृक्षारोपण का अभियान पूरे स्टेट में चला है। उसी के प्रतीक स्वरूप रुद्राक्ष का ही पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के कैंपस में लगाया जाना प्रस्तावित है और निश्चित रूप से रुद्राक्ष के नाम से रुद्राक्ष का ही पेड़ रहेगा और भगवान विश्वनाथ की नगरी है तो ये पूरे तरह यहाँ के सांस्कृतिक तारतम्य को मैच करते हुए ऐसा प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया। विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे क्या? वो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, जो कार्यक्रम है वो केवल जो परियोजनाओं का है या कोविड की तैयारियों के बारे में मार्गदर्शन देने। करीब 2018 के मध्य में इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और अब जून 2021 में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 3 साल की अवधि में कंप्लीट हुआ है। 186 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पे नगर निगम की भूमि थी उसी पे बनाया गया। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकोस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटी वाइज ये इंडिया में किसी भी कन्वेंशन सेंटर के कंपैरिजन में 19 नहीं होगा एंड बहुत अच्छा। सर एक सवाल है, क्या ये भारत और जापान की जो रिश्ते हैं उसका भी प्रमाण बनता है ये कन्वेंशन? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि ये शुरू से ही जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्चुलाइज किया था। इसमें रुद्राक्ष नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और जिसमें कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की तकनीक यूज़ हुई है उसमें जापानीज़ सेंसिबिलिटीज़, जापानीज़ एस्थेटिक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके निर्माण में, इसकी परियोजना की सोच में और जिसके लिए ये प्रयोग होगा आगे चल के, सभी में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जापानीज़ संस्कृति सभ्यता को भी, दोनों को साथ में लेकर चला गया।